हेलो बच्चों, हाउ डू यू डू? आप लोग कैसे हैं बच्चों? आपको भी देखा होगा, आप जब जाते हो कभी मेडिसिन के दुकान पर, आप मांगते हो एक टैबलेट को, वो जो सेल्समैन है वो आराम से जाता है, एक रियाक से आपको तुरंत ला के दे देता है। बच्चों आप सोचिए, इतने सारे मेडिसिन हैं, आप एक मेडिसिन मांगते हो और वो तुरंत कैसे ले आता है? इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग नो, क्योंकि उसने क्या किया है, जितने मेडिसिन से वो उसको क्लासिफाई कर चुका है। क्लासिफाई मीन्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मेडिसिन। नेचर ऑफ मेडिसिन मीन्स मान लीजिए गैस्ट्रिक का मेडिसिन अलग रखा हुआ है, पेट खराब होने का मेडिसिन अलग रखा हुआ है, बुखार का मेडिसिन अलग रखा हुआ है अलग रैक में। तो आप जैसे ही बोलते हो एक डिजीज के बारे में या इस मेडिसिन के बारे में, वो देखता है मेडिसिन कौन सा, मान लीजिए टाइफाइड का है, वो टाइफाइड जहाँ रखा हुआ है वहाँ चला जाता है, ले आता है। तो बच्चों देखिए, he has arranged the medicines in such a manner, in his shop, it becomes very easy for him to find out a medicine. समझ गए? तो बच्चों वैसे ही जब 18th century यानी 1800 सदी के करीब करीब बस कुछ एलिमेंट्स हमारा डिस्कवरी हुआ था, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था। जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते गए, अभी हमारा कितना हो गया, करीब 118, हम पीरियड टेबल में 118 पढ़ रहे हैं ना, तो जो 118 एलिमेंट्स जब बढ़ गए और बीच में जब बढ़ता इसका नंबर बढ़ना शुरू हो गया, तो उनका प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस का किसके किसके बीच में और किसके किसके बीच में डिसिमिलरिटीज है, तो इसको याद रखना और हर एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को याद रखना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द केमिस्ट्स नो। तो विश्व के हर केमिस्ट से सोचने लगे, हाउ टू अरेंज सच एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट द प्रॉपर्टीज हैविंग द सिमिलरिटी, द सिमिलर प्रॉपर्टीज हैविंग दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड आउट और व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड आउट फ्रॉम दोज एलिमेंट्स व्हिच हैविंग द डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया, कैसे ये जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनका कैसे हम अरेंज करके रखेंगे, तो जिनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है उनको एक रूम में करेंगे, जिनका डिसिमिलर है उनको भी एक ग्रुप में करेंगे, या जो जो सिमिलरिटीज इनमें आता है उनको एक एक ग्रुप में कर देंगे, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इजीली दैट एलिमेंट्स व्हिच विल हैव सच सच प्रॉपर्टीज नो। तो ये जो उसको क्या कहते हैं, उन्होंने उसका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको कहने लगे। सो बच्चों हम लिखते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द मेथड ऑफ अरेंजिंग सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम dissimilar elements, is known as classification of elements। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, the method of arranging similar elements, जितने similar elements हैं उनको हम अरेंज करेंगे एक जगह पे, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसको अलग कर देंगे, सो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ, पहले आप सोचिए इसका जो थीम कहाँ से आया। आप चलिए डाल्टन के, जो उनका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, उन्होंने बोले थे
द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यही भी क्लासिफिकेशन हो गया ना। तो उन्होंने बताया था वेरियस एलिमेंट्स का, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एटम्स है, और डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट एटॉमिक मासेस है, और उनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये दिमाग में आया यार प्रॉपर्टीज सभी का डिफरेंट है, तो हम इनको कैसे अरेंज करें। तो ये पहले इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने सोचे, केमिस्ट लोगों ने सोचे। तो पहले जो सोचे थे उनका नाम था डोबेरनियर। बच्चों डोबेरनियर का जो सोच था और उनका जो काम था वो डोबेरनियर ट्रियड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पहले क्या सोचा, उन्होंने देखा कुछ ग्रुप के 3-3 एलिमेंट्स का अगर उन्होंने एटॉमिक मास मिलाते हैं, वो दोनों का जो बीच का एलिमेंट होता है वो दोनों को जोड़ के अगर 2 में डिवाइड कर देते हैं तो बीच का एलिमेंट का मास के साथ बराबर हो जाता है। जैसे उन्होंने पहले लिया लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का कितना है 7, पोटेशियम कितना है 39। सो 7 प्लस 39 बाई 2 इज इक्वल टू 46 बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23। उन्होंने एक रिजेंबल्स देखा, ये रिलेशन देखा, इस ग्रुप में अगर दोनों लिथियम के पोटेशियम के बीच में सोडियम है, ये दोनों का एटॉमिक मास को हम मिला के 2 में डिवाइड करते हैं, यानी उसका मीन ले लेते हैं, तो दैट कम्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। बच्चों उन्होंने और भी 3 ग्रुप्स देखा, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, आयोडीन में 127 है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं उसका मीन घर ले लेते हैं तो ब्रोमीन का आता है 81.25 और ब्रोमीन का 81 उसका आसपास है। वैसे ही कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम, यहाँ भी देखिए 137 और प्लस 40 डिवाइडेड टू कितना 88.5 और स्ट्रोंटियम कितना है 88 है ना। उसके बाद सल्फर सेलुरियम एंड टेलुरियम, ये जो सेलेनियम टेलुरियम का है इसका ये दोनों को जोड़ के अगर 2 में भाग करते हैं तो कितना होती है कि 78 यानी उसके आसपास है। तो उन्होंने ये एक रिलेशन निकाला जो कि डोबेरनियर ट्रायड के नाम से जाना जाता है ना। लेकिन इसके पर और साइंटिस्ट लोगों ने बहुत काम किया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो हाउ टू अरेंज द एलिमेंट्स इन ए प्रॉपर वे सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पेक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। बच्चों हम लिखते हैं न्यूमैन्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। न्यूमैन्स ने क्या देखा, उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो हमारा 7 सुर होता है, रिदिम होता है, उनके साथ उन्हें कंपेयर किया कैसे, सा रे गा मा पा दा नी। सा रे गा मा पा दा नी 7 के बाद जो एलिमेंट आता है फिर सा से शुरू होता है, इट रिजेम्बल्स विद दैट एलिमेंट, आप समझ गए। तो उन्होंने कैसे एग्जाम्पल, आप देखिए आप समझ जाएंगे, लिथियम उसके बाद बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर रे आएगा। ये देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने लिखा सारे गामा पाधा नी सा। ये सा कौन आता है, लिथियम आता है, और सा कौन आता है सोडियम आता है, कौन पोटेशियम आता है। तो ये लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, समझ गए। उन्होंने ये बताया जो अगर रे हम देखें, रे कौन सा है बेरिलियम, और कौन सा रे देखिए मैग्नीशियम, और इधर कैल्शियम।
ऑल्सो हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, समझ गए। और फ्लोरिन और क्लोरिन ये नी नी है, इनका भी सिमिलर प्रॉपर्टीज, धा धा ऑक्सीजन और सल्फर का भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, समझ गए। पूछो, उन्होंने वैसे एक आइडिया दिया था, इसके पर भी काम हुआ, लेकिन इट वॉज ऑल्सो नॉट सक्सेस बिकॉज हमारे पास तब तक 112 करीब एलिमेंट हो चुके थे। तो 112 एलिमेंट्स के बारे में अगर हम ऐसे ही बनाते हैं तो दैट इज नॉट कमिंग अंडर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और यूनिक रिप्रेजेंटेशन, सो दैट इट विल बी वेरी मच इजी टू नो और टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट का आया जो पीरियड टेबल के पर बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन, वो थे हमारा रूस के, कौन थे, मेंडलीव। मेंडलीव अपना रिसर्च में ये पाया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये देखा जितने एलिमेंट्स है उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या करता है, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। तो पहले उन्होंने एक लॉ लिखा, दैट इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, एंड ऑन दिस लॉ ही मेड द मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। इट वॉज समवॉट वेरी गुड। अब देखिए, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, उन्होंने क्या लिखा, द लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द लॉ स्टेट्स देयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मैंने आपको बताया। तो एटम के मास के पर हर एलिमेंट्स का क्या पीरियडिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। तो तब तक करीब करीब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुका था, कितने एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स। सो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को लेकर उनका टेबल बनाया और इसी हिसाब से उनको अरेंजमेंट किया, कैसे, बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो बच्चों, अभी हम मेंडलीव पीरियडिक टेबल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उन्होंने कैसे बनाए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर वन, मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल कॉन्सिस्ट्स ऑफ 7 पीरियड्स और रोज एंड 9 कॉलम्स ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स और कॉलम्स, ठीक है। नंबर टू, द 7 पीरियड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 7 एंड ए फर्स्ट रो और पीरियड कॉन्टेंस 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना। उनका पीरियड टेबल क्या था, उसमें था 7 पीरियड था, जैसे मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड था, और 9 क्या थे, ग्रुप थे, यानी वर्टिकल कॉलम्स थे, ग्रुप थे या कॉलम्स थे ना। तो ये जो 9 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स थे, वो 7 पीरियड का जो पहला पीरियड था उसमें कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे, और सेकेंड एंड थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स, ठीक है ना,
फोर्थ फिफ्थ 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ 32 एलिमेंट्स एंड सेवेंथ 25 एलिमेंट्स, जो कि सेवेंथ ग्रुप के सेवेंथ पीरियड क्या होता है कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये जो पहला पीरियड है उसको शॉर्टेस्ट पीरियड उन्होंने कहते थे, और जो जिसमें 32 इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते थे, और जो 18 एलिमेंट था उसको क्या कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। आप इसको लिख सकते हैं अभी यहां लॉन्ग पीरियड, दिस इज लॉन्गेस्ट पीरियड यानी सबसे ज्यादा है, और लास्ट वन इनकम्प्लीट था यानी 25 टोटल एलिमेंट्स थे, और पहले जो फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं द शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है ना। और वो उन्होंने क्या किया था, अगर हम उसको बनाते हैं ऐसा, आप देखिए यहाँ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नाइन ग्रुप हो गया, यानी सेवन एक पीरियड के सेवन पीरियड क्या था दो तीन चार पांच छ और ये था सात, इनका सात पीरियड था। ये सात पीरियड में से पहले वाला कितना कंटेंट किए थे दो, ये आठ ये आठ ये अठारह ये अठारह ये बत्तीस ये पच्चीस, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट, ये दोनों लॉन्ग ये शॉर्ट, ठीक है ये इनकम्प्लीट। तो ये जो पहले वाला था उसमें भी हमारा जो था हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन उस वक्त हीलियम बच्चों जितने ये जो हमारा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्या हुआ था डिस्कवर नहीं हो पाया था, तो उन्होंने उसको क्या जो ग्रुप हमारा नाइन ग्रुप्स थे उन्होंने क्या लिखा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जीरो ग्रुप लिखा था उन्होंने। तो फिर क्या किए थे उन्होंने ये वन ग्रुप को इसको क्या किए थे उन्होंने ए बी में डिवाइड किए थे, और इसको ए बी दोनों में सब ग्रुप किए थे, इसको भी ए बी में किए थे, इसको भी ए बी में किए थे, समझ रहे हैं सब ग्रुप किए थे उन्होंने ए बी ए बी, ये सभी को दो दो में कर दिए थे। अगर ए का इधर सोडियम निकलता है तो इधर लिख रहे हैं, इसको जगह छोड़ देते हैं, समझ गए। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था, तो हर ईच ग्रुप वाज डिवाइड इनटू अगेन टू सब ग्रुप्स ए एंड बी। तो यहाँ कितना हो गया आप देखिए, इधर आठ दुना 16 और एक 17 हो गया, समझ गए। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था अपना पीरियड टेबल, ये पीरियड टेबल इट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द साइंटिस्ट टू गो फॉरवर्ड टू गो अहेड फॉर द अरेंजमेंट इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो बच्चों इनका तो काफ़ी हद तक समझ आ गई, कुछ अरेंज कर लिए, लेकिन उनमें जो बिल्कुल एक उनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, हर जगह जो अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक मासेस वो प्रॉपर्टीज को बदल नहीं पाए, यानी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करने लगे, तो यानी सिमिलरिटी मिला नहीं उनको, तो ये भी ग्रेजुअली क्या हो गया इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ा। मतलब लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने ऐसा किया था, मान लीजिए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे का जो एलिमेंट ग्रुप है, जो एल्यूमिनियम सिलिकॉन का नीचे का ग्रुप एलिमेंट है तब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था ना, तो उन्होंने उस जगह लिखा था एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, आप उसको याद रखिए, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, ये डिस्कवर तब तक नहीं हुआ था। जर्मानियम एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा है एल्यूमिनियम गैलियम, तो गैलियम और जर्मानियम जब तक सब तक डिस्कवर नहीं हुआ था ना, लेकिन उनको पता था यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट है, और बाद में जब डिस्कवर हुआ गैलियम और जर्मेनियम तो व्हाट ही हैड प्रेडिक्टेड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स वाज क्वाइट करेक्ट। आप देखिए उनका कितना थिंकिंग सही था ना, तो उन्होंने तब लिया था उसका नाम एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, ठीक है। तो बच्चों द हेल्पफुल ऑफ दिस मेंडलिस पीरियडिक टेबल वाज वेरी मच फॉर द मॉडर्न साइंटिस्ट, यानी उनको क्या क्या अवसर मिला,
दे आर ऑन द पाथ टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स। जैसे अभी एक एल्यूमिनियम एक सिलिकॉन के जो प्लेस है उसको भरने के लिए एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ। दूसरा क्या हुआ और इसको कैसे बेहतर करें, कैसे अरेंज करें, अगर एटॉमिक मास नहीं होता है तो कैसे होगा, दैट वाज आल्सो फाइंड आउट बाय द मॉडर्न साइंटिस्ट। यानी जो साइंटिस्ट उनके बाद जो काम किए तो उनको भी बहुत कुछ इससे पता चल गया। ठीक है तो बच्चों अभी हम मेंडली स्पिरिट टेबल ख़त्म किए। आप अगर समझ पाए इसको अच्छी तरह, आप इसको एक बार नोट भी पढ़ना। अगर लगा कि नहीं आप स्पिरिट टेबल का क्या आवश्यकता है, कि कहाँ से शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे डेवलप होके मेंडली स्पिरिट टेबल की तरफ आया, तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और क्लासमेट को जरूर बताइए। ठीक है, केमिस्ट्री में वो शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर टीचर ईश्वर चंद्र नायक। ठीक है, थैंक यू।